कश्मीर बाकी साथ यहाँ जम्मू कश्मीर इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन की तरफ से है। यहाँ हमने पिछले दो साल तीन साल में ईएमसी लिमिटेड के साथ काम किया है। ईएमसी लिमिटेड को गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर ने 750 करोड़ का, और साथ साथ में जम्मू में भी उनको एक प्रोजेक्ट मिला है सांबा और कठुआ डिस्ट्रिक्ट का, कोई 90 करोड़ का प्रोजेक्ट था। जो 90 करोड़ का प्रोजेक्ट था, निर्मल सिंह के जाती इंटरवेंशन के बाद वो वहाँ पे ऑलमोस्ट 90% कंप्लीट हुआ। ये बिजली के मिनिस्टर थे और जाती कॉन्स्टिट्यूएंसी उनकी वहाँ पे आती है, इसलिए उन्होंने ज़्यादा जोर दिया, अपनी सारी मिनिस्ट्री खर्च वहीं पे कर दी। और जहाँ पे सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था 750 करोड़ का कश्मीर का प्रोजेक्ट, उसमें 20 या 25% का काम हो गया है। और साथ साथ में गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा हर्डल्स क्रिएट किए हैं जिसके वजह जी। मैं इकबाल अहमद प्रेसिडेंट हूँ जम्मू कश्मीर इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन का। हमारी साफ डिमांड है, सीधी डिमांड है, हमने काम किया हुआ है, हम लेबर लोग हैं, हमारे साथ जो लोग हैं लेबर लोग हैं। हमारे साथ 183 कॉन्ट्रैक्टरों के साथ कम से कम 25-25, 30-30 फैमिलियाँ जुड़ी हुई हैं जिन्होंने काम किया है। हमारा पैसा फंसा हुआ है ईएमसी के पास, ईएमसी का पैसा गवर्नमेंट के पास। हम गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं ईएमसी को खुदारा पैसे दे दो, खुदारा ईएमसी को पैसे दे दो और वो हमें दे देंगे। दैट इज इट, हमारे शार्ट डिमांड है। अगर नहीं दिया जाएगा, हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है, जो तारे हमने जोड़ी है, जो ट्रांसफार्मर हमने लगाए, हम फिर उनको उठाने के लिए मजबूर ले रही है, हम उनको उठाने के लिए फिर मजबूर है। हमें डोंट पुश अस टू द वॉल, हम चाहते हैं हम गवर्नर साहब से मिले, गवर्नर साहब से उनके ही इंतज़ामिया के बारे में बोलना चाहते हैं, उनको कश्मीर में मदद करना चाहते हैं अमन के लिए और दूसरे चीज़ों के लिए हम मदद करना चाहते हैं। लेकिन हम रास्ते पे हैं, पिछले 15-20 दिनों से यहाँ पे होटलों में रह रहे हैं, पिछले 15-20 दिनों से हमारे पास सारा पैसा खत्म हो गया, कहाँ जाएंगे? बैंकों से कर्ज़ा लिया हुआ है, बैंकों से कर्ज़ा लेने के बाद उस पर सूद हमें देना पड़ता है, कंटिन्यूसली सूद देना पड़ता है। कौमी दायरे के लोग हैं, मेन स्ट्रीम के लोग हैं, अगर गवर्नर साहब के पास टाइम है हुर्रियत वालों से मिलने के लिए, अगर गवर्नर साहब के पास टाइम है जो मतलब जो दूसरे लोग हैं उनसे मिलने के लिए, कौमी दायरे से बाहर लोगों से मिलने के लिए, तो हमने कौन से गुनाह किए हैं? 15 दिनों से डायरेक्टली गवर्नर साहब के मोबाइल नंबर तक पर हमने SMS किए हुए, फैक्स किया हुआ है, ऐसे रिटर्न में लेटर दे दी है। गवर्नर के जो भी इंतज़ामिया है टॉप टू बॉटम सबको मिलने की कोशिश की और सबको मिल भी रहे, लेकिन कोई कुछ नहीं हो रहा है। इसलिए गवर्नर साहब के ज़ाती मुदाखलत के बाद हमें नहीं लग रहा है कि कोई मसला हमारा हल हो सकता है। गुजारिश है वो हमें मिले, हम कौमी दायरे के लोग हैं।